कसरावद की शिक्षा व्यवस्था को परखने के लिए कलेक्टर शिवराज वर्मा इन दिनों गांव-गांव शहर-शहर जा रहे हैं। गुरुवार को उनका दौरा कसरावद क्षेत्र में रहा। एक छोटी कसरावद की मिडिल स्कूल में जाकर उन्होंने बच्चों को पहाड़े याद करने की टेक्निक बताई। अध्यापक इरफान अली बगैर बताए आवेदन दिए नदारद रहे, उन्हें सस्पेंड किया गया। कलेक्टर स्कूल में उपस्थित पंजी देखी और इस दौरान कसरावद एसडीएम अग्रिम कुमार, तहसीलदार रमेश शिशोदिया उनके साथ उपस्थित थे। स्कूल के बाद नगर पहुंचे, लेखा और राजस्व शाखा विभिन्न बिंदुओं का अवलोकन किया। लेखा शाखा में नीरज यादव ने करों की जानकारी दी। सीएमओ संतोष चौहान को नगर में कर एकत्रित कर नागरिकों को सुविधा देने के निर्देश दिए। उपयंत्री से कंपाउंडेबल मकानों की जानकारी ली। रीडेंटिफिकेशन योजना के तहत एसडीएम कसरावद आवास बनेगा, इसके लिए कलेक्टर और मध्य प्रदेश हाउसिंग और डिप्टी कमिश्नर महेंद्र सिंह, कार्यपालन यंत्री पीके मेहता ने संयुक्त रूप से पुराना जर्जर अवस्था वाला तहसील कार्यालय देखा। परिसर में निर्माणाधीन लाइब्रेरी का अवलोकन किया। लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मार्गदर्शन भी दिया, जिसमें मध्य प्रदेश भूगोल के बारे में समझाया। संवाददाता सेवक राम चौबे की रिपोर्ट। लाइब्रेरी है कसरावद की और काफी प्रयास किए तो आज विशेष दौरा था, क्या था सर आज? मैं खुद ही, मेरा सबसे प्रिय यदि कोई चीज़ है तो शिक्षा है, और अभी मैं छोटी कसरावद के स्कूल में भी गया था और मैंने क्लास शायद 6 या 8 के बच्चे थे, उनसे जब बात किया तो वो जो चीज़ पढ़ रहे थे, पढ़ कर के वो समझा कैसे, वो बच्चों में अभी कमी है। अभी मैं यहाँ लाइब्रेरी में आया, ये भी यहाँ पर इनसे ही बात कर रहा था। मैंने बच्चों से पूछा था कि आपको कौन सा पढ़ा सुना दूँ, मैंने कहा मुझे 40 पढ़ याद हैं, तो बच्चों ने मुझसे कहा था 37 पढ़ा, तो मैंने 37 पढ़ा उनको बोल के बताया था, और ये मुझे 37 का पढ़ा 1980 से याद है। आश्चर्य होगा जी। ना ना ना, आइए सभी आइए से पूछ रहे, वो नहीं आएगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट की चीज़ है। तो शिक्षा यदि हम उसको इंटरेस्टिंग बनाएं तो शिक्षा बहुत आसान भी होती है। हमारे गुरुजनों ने हमको पहले बेहतरीन पढ़ाया तो हम यहाँ पर आ गए। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अच्छी शिक्षा देने वाले एक्सपर्ट्स लोग, उनके पास यदि कुछ अच्छी शिक्षा है तो बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चे कैसे आगे बढ़ें उनको गाइड करें। यहाँ पर भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा प्रयास है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है और काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये ऐसी व्यवस्थाएँ ज़िले में और आवश्यक हों तो और भी करेंगे, बच्चे आगे बढ़े, उनको अच्छा माहौल दें, उनको गाइडेंस भी दें, इसका भी हम प्लान करेंगे। सर ये तहसील को लेकर आज कोई प्लानिंग है सर? हम लोग देखने आए हुए हैं, ये हमारा एक रीडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट में लिया हुआ, तो हमारे साथ में डिप्टी कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड भी साथ में आए हुए हैं, वो क्या ज़मीनों का अच्छा उपयोग हो सकता है उसका हमारा एक निरीक्षण भी है। थैंक यू। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने कुछ खबरें चलाई थी कि जिस तरीके से आप शिक्षा के मामले में काफ़ी आगे हैं, तो अभी अगर संज्ञान में तो कुछ बच्चों का कचरा बीनते हुए और इस तरीके से कचरा, इसमें बेसिकली शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में कुछ है तो वो शिक्षा है। हम सभी की शासन प्रशासन अपनी ओर से जो प्रयास कर रहा है वो प्रयास पहले से अभी तक कर रहा है, लेकिन शिक्षा में इसमें समाज को भी जुड़ना होगा, समाज को समझना होगा। सरकार आपको स्कूल अच्छे बना के दे सकती है, अच्छे टीचर से दे सकती है, पर स्कूलों में पढ़ाई ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें हमको इन्वॉल्व होना होगा, और तभी शिक्षा का स्तर सुधरने की कोशिश होगी। और सरकार की ओर से जो लगातार प्रयास हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ सुधर रही है। मैं अपील करता हूँ कि बाकी लोग भी इसमें जुड़ें और जहाँ जहाँ समस्या है उनको हल करें। निश्चित ही छोटे बच्चों को इस तरीके से देखते तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम अभी भी इस प्रयास में काफ़ी पीछे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जहाँ पर मेरा दौरा होता है, मेरा कोई सा दौरा मिस नहीं होता जिसमें मैं स्कूल में नहीं जाऊँ और मैं बच्चों से बात नहीं करूँ। थैंक यू।